अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रमला मोहल है। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और सर्टिफाइड एस्थेटिक फिजिशियन भी हूँ। आज हम बात करेंगे स्किन की एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसे मेडिकल की ज़बान में सोरियासिस कहते हैं और आम जबान में चंबल की बीमारी कहते हैं। ये होती किस वजह से है? इसका असल एक वजह नहीं है, मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होती है, कुछ लोग जिनमें जेनेटिकली ये बीमारी आती है यानी कि फैमिली में रन करती है, उनमें इंक्रीज चांसेस होते हैं। फिर वो उन एनवायरमेंटल फैक्टर्स से जब वो प्रीडिस्पोज होते हैं तो उनकी बीमारी ट्रिगर करती है। अब वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि गटेट सोरियासिस है, ये वायरल इन्फेक्शन के बाद होती है, स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट के बाद। दूसरी और वजूहत हैं जिसमें स्मोकिंग है, एल्कोहल यानी कि शराब नोशी है, धूप में जाना, सनलाइट एक्सपोजर है, कुछ मेडिसिंस हैं जिसमें मलेरिया की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो कि इस बीमारी को ट्रिगर कर सकती हैं। ज़हनी तनाव या डिप्रेशन या एक्सेसिव स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग भी सोरियासिस को ट्रिगर भी कर सकती है और जिनको सोरियासिस ऑलरेडी है उनको वर्सनिंग भी कर सकती है। कुछ बीमारियों के छोड़ने से भी सोरियासिस हो सकता है, जैसे कि जो लोग स्टेरॉइड्स ऑलरेडी ले रहे हैं किसी और वजह से और वो छोड़ते हैं तो उनमें सोरियासिस का रिस्क बढ़ जाता है, या ऑलरेडी वो सोरियासिस में स्टेरॉइड्स ले रहे थे तो जैसे ही वो सोरियासिस में से स्टेरॉइड एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ होती है वो छोड़ेंगे तो एकदम से सोरियासिस वर्सनिंग पैटर्न पे चली जाती है। किस एज ग्रुप के अंदर ये प्रेजेंट करती है? इसमें बेसिकली दो एज ग्रुप्स हैं जिसमें ये ज़्यादा पाई जाती है। 16 से 22 साल की उम्र में ये एक पहला पीक है जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। दूसरा पीक इसका आता है 57 से 62 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप पे। औरतों में है या मर्दों में ज़्यादा है? तो ये दोनों में बराबर ही पाई जाती है, लेकिन अगर आदमियों में सोरियासिस होती है तो वो ज़्यादा वर्सेंड होती है, ज़्यादा सिवेरिटी के साथ होती है और उसमें ट्रीटमेंट भी बहुत इंटेंस देनी पड़ती है। अब इसकी प्रेजेंटेशन कैसी होती है? प्रेजेंटेशन में इसमें लाल रंग का उभरा हुआ निशान बनता है, उसके ऊपर सफ़ेद रंग का मोटा छिलका बनता है। जब आप उस छिलके को हटाएंगे तो एक चमकदार झिल्ली दिखती है और कुछ ब्लीडिंग पॉइंट्स दिखते हैं जिसको हम ऑस्पिट साइन कहते हैं। ये सोरियासिस का डायग्नोस्टिक है। अब किन जगहों पे ये होता है? ये ज़्यादातर एक्सटेंसर सरफेसेस यानी ये कोहनी पे, घुटनों पे, कमर के निचले हिस्से यानी कि सेक्रल एरिया पे, स्कैल्प के ऊपर और भी जिस्म में किसी भी हिस्से पे पाया जा सकता है। सोरियासिस नाखून को भी मुतासर कर सकता है, सोरियासिस मुँह के अंदर जबान पर भी मुतासर कर सकता है जिसमें जोग्राफिक टंग या फिशर टंग हो सकती है, आपके फोल्ड्स जिस्म के फोल्ड्स तक में भी प्रेजेंट कर सकता है। सोरियासिस ना सिर्फ आपकी नाखून, बाल, जल्द को मुतासर करता है बल्कि आपके अंदरूनी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है जिसमें आपके जॉइंट्स आते हैं मोस्ट कॉमनली, जिसे सोरियाटिक आर्थराइटिस कहा जाता है। कभी कभी जल्द पे बीमारी के बगैर भी सोरियाटिक आर्थराइटिस हो सकता है। सोरियासिस जो है आप जिनको हो जाता है उनमें और भी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, मोटापा हो जाना जिसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा गाउट का रिस्क बढ़ता है, फैटी लिवर होने का रिस्क होता है। सोरियासिस की वजह से आपके गुर्दे मुतासर हो सकते हैं, आपके फेफड़े मुतासर हो सकते हैं। सोरियासिस की मुख्तलिफ़ इकसाम है, मुख्तलिफ़ शक्लों में प्रेजेंट कर सकता है। अगर ये 90% से ज़्यादा आपकी बॉडी को मुतासर कर जाए तो उस प्रेजेंटेशन को एरिथ्रोडर्मा कहते हैं। इसकी तशखीस किस तरह से होती है? तो सोरियासिस की तशखीस एक स्किल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और एग्जामिनेशन पे ही डायग्नोस कर लेता है। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। सबसे अहम जो चीज़ है जिस वजह से सोरियासिस ट्रिगर हो रहा है, आपने उन ट्रिगरिंग फैक्टर्स को हटाना है, जैसे कि किसी दवाई की वजह से था तो उन दवाइयों को बंद करना है जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर सोरियासिस ब्लड प्रेशर का मसला है, शुगर का मसला है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मोटापा है, इन तमाम फैक्टर्स को आपने कंट्रोल करना है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल कंजम्पशन आपकी ज़्यादा है आपने उसको रोकना है। अगर आप स्टेरॉइड्स पे हैं तो अचानक
एक्सेस स्टेरॉइड्स खुद से बंद नहीं करनी, वो भी डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपकी टेपर होगी। इसके साथ जो है जिल्द को चिकना रखना है, इमोलियंस का अच्छा इस्तेमाल करना है, मॉइस्चराइज़र अच्छा यूज़ करना है और पानी का इंटेक ज़्यादा करना है। तो ये तो हो गई जनरल मैनेजमेंट। अब आते हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की तरफ। सोरियासिस के अंदर एक अहम चीज़ है कॉबनर्स फिनोमिनन। कॉबनर्स फिनोमिनन ये होता है कि जहाँ पर चोट लगेगी वहाँ पर सोरियासिस का प्लाक बन सकता है। सो चोट से, ट्रॉमा से भी अपने आप को आपने प्रिवेंट करना होता है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में हम टॉपिकल कुछ लगाने की दवाइयाँ होती हैं, कुछ खाने की दवाइयाँ होती हैं, और कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं, और इसका इलाज शुआओं के ज़रिए भी किया जा सकता है। आपकी बीमारी किस कैटेगरी में लाई करती है, किस नौयत की है, किस टाइप की है, उसके हिसाब से एक डर्माटोलॉजिस्ट आपकी बीमारी की मैनेजमेंट की तरफ जाता है कि आपको क्या दवाई देनी है, किस डोज पे देनी है। अब लगाने वाली दवाइयों में स्टेरॉइड्स आमतौर पे यूज़ किए जाते हैं, कैटालिटिक एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, विटामिन डी एनालॉग्स यूज़ किए जाते हैं। वो आप ख़ुद से डिसाइड नहीं कर सकते, उसका डोज, उसकी कैटेगरी वो आपका डर्माटोलॉजिस्ट डिसाइड करता है। फिर कुछ खाने की दवाइयाँ होती हैं, उसका डोज, उसकी टेपरिंग, उसकी इंक्रीमेंट डोज की, वो सारी चीज़ें डर्माटोलॉजिस्ट ही डिसाइड कर सकता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें बायोलॉजिक्स आ गए हैं और उससे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स और डिजीज़ कंट्रोल हो जाती है, लेकिन इट्स लिटिल एक्सपेंसिव और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और वो उसके क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो उन्हें बायोलॉजिक्स पे जाना चाहिए, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसके अलावा फोटोथेरेपी से भी ट्रीटमेंट बहुत इफ़ेक्टिव हो सकती है। उसके डोज होते हैं, उसके भी सेशंस होते हैं। सो अपने किसी स्किल्ड प्रोफेशनल डर्माटोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें जो कि आपको प्रॉपर गाइड कर सकें, प्रॉपर मैनेजमेंट बता सकें। सोरियासिस लगने वाला मर्ज़ नहीं है, हाथ लगाने से, छूने से नहीं फैल सकता, कोई आपको सोरियासिस नहीं दे सकता, ना आप किसी से ये ले सकते हैं। सोरियासिस एक मैनेजेबल बीमारी है, इसको जड़ से ख़त्म तो नहीं किया जा सकता लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और ये बहुत आसानी से प्रॉपर ट्रीटमेंट से कंट्रोल हो जाती है। ज़िंदगी भर लोग सोरियासिस के साथ होते हैं लेकिन उनकी सोरियासिस किसी को पता तक नहीं चलती, इतना अच्छा भी कंट्रोल होता है। सो अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर कंसल्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। सोरियासिस हमल के दौरान भी हो सकती है, तो अगर माइल्ड है, डिज़ीज़ कंट्रोल्ड है, तो बच्चे पे और माँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सोरियासिस दौरान हमल सिवेयर होती है तो बच्चे के ज़ाया होने का रिस्क होता है, बच्चे के वज़न कम होने का रिस्क होता है, और बच्चे की वक्त से पहले पैदाइश भी हो सकती है, माँ को प्रीक्लेम्जिया का भी रिस्क हो सकता है। इसके अलावा अगर सोरियासिस को ट्रीट नहीं किया जाता और वो उसको सिवेरिटी के साथ पेशेंट लेके चलता है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 4 से 6 साल एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले में कम हो जाती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सोरियासिस को टाइमली डायग्नोज करवाया जाए, उसकी ट्रीटमेंट की जाए और उसको सिवेरिटी की तरफ ना जाने दिया जाए।